हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लास्टली वी वर कंप्लीटेड अबाउट द रीनल सिस्टम डिसऑर्डर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू सिस्टम ऑफ एमएसएन विच इज आई। अपन आई डिसऑर्डर्स स्टार्ट करेंगे आज से एमएसएन के अंदर, जिसके अंदर आई डिसऑर्डर में सबसे पहले आज अपना टॉपिक होगा ग्लूकोमा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछा जाता है, हर बार ग्लूकोमा का क्वेश्चन आता है हर बार। तो इस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्लूकोमा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं, इटियोलॉजी क्या है, उसके पीछे उसका मैनेजमेंट क्या है, डायग्नोसिस क्या है, वो सब अपन आज इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर क्लास लीजिएगा, और अगर फिर भी कोई अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ग्लूकोमा क्या होता है। ग्लूकोमा आई डिसऑर्डर है। कौन सा है? आई डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोमा के अंदर जो अपने ग्लूकोमा पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए नॉर्मल आईओपी क्या होता है। नॉर्मल आईओपी, आईओपी क्या होता है? इंट्राओक्युलर प्रेशर। इंट्राओक्युलर प्रेशर कितना होता है? 15 mm ऑफ HG। ठीक है, नॉर्मल आईओपी क्या होता है? 15 mm ऑफ HG। इसके अंदर क्या होता है, आईओपी इस ग्लूकोमा की कंडीशन के अंदर, जो ग्लूकोमा इज करेक्टराइज बाय द इंक्रीज आईओपी रिजल्टिंग अट्रोपी ऑफ द ऑप्टिक नर्व लीड्स टू द इररिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। इंक्रीज आईओपी इज द मोस्ट कॉमन एंड ओनली मॉडिफाइबल कॉसेस। आईओपी के अंदर क्या होता है कि जो आईओपी है वो बढ़ जाता है। नॉर्मल कितना था? 15 mm ऑफ HG। ठीक है, ये बढ़ेगा, आईओपी बढ़ेगा, आईओपी ठीक है, नॉर्मल ये था। लेकिन अगर इससे ज्यादा इंक्रीज हो गया तो उससे क्या होगा, ऑप्टिक नर्व है वो क्या हो जाएगी, डैमेज। क्या हो जाएगी? डैमेज। ऑप्टिक नर्व क्या हो जाएगी? डैमेज। किसकी वजह से? आईओपी बढ़ने की वजह से। और इससे क्या होगा, इररिवर्सिबल डेथ। इररिवर्सिबल डिजीज है ये, इररिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। कौन सी है? इररिवर्सिबल, इररिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। कौन सी है? इररिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाती है। किसकी वजह से? आईओपी नॉर्मल 15 mm ऑफ HG होता है, और अगर इससे ज्यादा बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, और इससे क्या हो जाएगा, इररिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो ये अपने का अपने को इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ग्लूकोमा के अंदर होता क्या है। फिर आता है इसके बाद अगर आईओपी, इफ आईओपी इज इंक्रीज। आईओपी क्या हो रहा है? आईओपी तो अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इंट्राओक्युलर प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट नॉट द डैमेज ऑफ ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या हो रही है? ऑप्टिक नर्व नॉट डैमेज। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या हो रही है? डैमेज नहीं हो रही है। ग्लूकोमा की कंडीशन में क्या हो रहा है? आईओपी बढ़ रहा है और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आईओपी बढ़ रहा है और ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं हुई है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को बोलते हैं इंट्राओक्युलर हाइपरटेंशन। क्या? इंट्राओक्युलर हाइपरटेंशन। तो इंट्राओक्युलर हाइपरटेंशन क्या होती है वो अपने को पता होना चाहिए। इंट्राओक्युलर हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है, आईओपी तो बढ़ता है लेकिन ऑप्टिक नर्व क्या होती है, डैमेज नहीं होती है। जबकि ग्लूकोमा की कंडीशन में क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है, डैमेज होती है आईओपी बढ़ने की वजह से। लेकिन इंट्राओक्युलर हाइपरटेंशन की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर आईओपी तो बढ़ता है लेकिन क्या होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज नहीं होती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है इसके कॉजेज, ये ग्लूकोमा होने के रिस्क फैक्टर कौन कौन से है, इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं जिनकी वजह से ग्लूकोमा हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स में क्या हो गया, फर्स्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी पर्सन को की फैमिली के अंदर किसी, अगर पहले से ग्लूकोमा की कंडीशन हो रखी है, किसी फैमिली के अंदर ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री है, तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या हो सकता है, ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगर कोई पर्सन काफी समय से, लॉन्ग टर्म से क्या यूज कर रहा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर भी ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है अदर आई डिसऑर्डर्स।
अदर आई डिसऑर्डर, और भी काफी अपन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे आई के अंदर, उनकी वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है, आईओपी बढ़ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर्स। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिसऑर्डर की वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट डायबिटीज मलाइटस। डायबिटीज मलाइटस की कंडीशन के अंदर भी आईओपी बढ़ता है, इंक्रीज ऑफ आईओपी इंट्राओक्युलर प्रेशर। डायबिटीज मलाइटस की कंडीशन के अंदर भी क्या होता है आईओपी बढ़ता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे जिनकी वजह से क्या होता है ग्लूकोमा हो सकता है। फिर आता है इसके बाद इसका इम्पोर्टेंट है क्लासिफिकेशन। ग्लूकोमा का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का ग्लूकोमा होता है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो अपने को समझना है। क्लासिफिकेशन क्या, क्लासिफिकेशन मोस्टली इसको जो क्लासिफाई किया है वो है, सबसे पहला आता है प्राइमरी एडल्ट एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, पहला याद करना है प्राइमरी एडल्ट एंगल ग्लूकोमा, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एडल्ट एंगल ग्लूकोमा। फिर इसको अगेन टू टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पी ओ ए जी भी से बोल सकते हैं। नेक्स्ट इसका प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, इसका शॉर्ट फॉर्म है पी ए सी जी, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसका सेकेंडरी ग्लूकोमा। ठीक है, सेकेंडरी ग्लूकोमा के बाद आता है थर्ड है कंजेनाइटल ग्लूकोमा। कौन सा है, कंजेनाइटल ग्लूकोमा। फिर आता है नेक्स्ट पिगमेंट्री ग्लूकोमा। ये कुछ टाइप्स के क्लासिफिकेशन है ग्लूकोमा का, कि ग्लूकोमा कितने टाइप्स का होता है। फर्स्ट है प्राइमरी ओपन एंगल, फिर आता है नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्लूकोमा, फिर नेक्स्ट है कंजेनाइटल के बाद है पिगमेंट्री ग्लूकोमा। अब सबसे पहले एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है। प्राइमरी ओपन एंगल जो ग्लूकोमा है इसके अंदर सबसे पहला अपन इस प्राइमरी ओपन एंगल है ये पढ़ेंगे। ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, विलेज के अंदर, गांव के अंदर ये टाइप देखने को मिलता है ग्लूकोमा का। इसके अंदर क्या होता है, द इंक्रीज आईओपी रिजल्टिंग इन द पेरिफेरल रेटाइनल डैमेज। इसके अंदर क्या होता है, पेरिफ्री रेटाइना, जो रेटाइनल स्ट्रक्चर होता है उसका पेरिफेरल जो स्ट्रक्चर होती है वो डैमेज हो जाती है। कौन सी, पेरिफेरल रेटाइना डैमेज। ठीक है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, पेरिफेरल रेटाइनल डैमेज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज आईओपी रिजल्टिंग इन द पेरिफेरल रेटाइनल डैमेज एंड एंटीरियर एंगल इज मेंटेन। इसके अंदर क्या होता है, एंटीरियर एंगल मेंटेन। यानी इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर एंटीरियर एंगल होता है वो तो मेंटेन रहता है, लेकिन पेरिफेरल रेटाइनल डैमेज हो जाता है। ठीक है, आया समझे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, इसके अंदर एंटीरियर एंगल मेंटेन रहता है और पेरिफेरल रेटाइनल डैमेज हो जाती है। ठीक है, एंटीरियर एंगल इज मेंटेन, ये एक पेनलेस कंडीशन होती है। इसके फीचर्स है पेनलेस कंडीशन। ठीक है, पेनलेस कंडीशन होगी, एंटीरियर एंगल मेंटेन रहेगा, पेरिफेरल रेटिना
डैमेज हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट है इसका फीचर टनल विजन, ये इसका फीचर रहेगा। इसके अलावा थीफ्ट ऑफ लाइट, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है इसके। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के POAG के, ठीक है, एंटीरियर एंगल मेंटेन रहेगा, पेरिफेरल रेटिना डैमेज रहेगी, पेनलेस कंडीशन रहती है, टनल विजन रहता है और थीफ्ट ऑफ लाइट रहती है। तो ये कंप्लीट हुआ फर्स्ट। अब आता है नेक्स्ट इसी का टाइप, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर इज डिक्रीज। एंटीरियर एंगल क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। एंटीरियर एंगल, द एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर, जो एंटीरियर आगे वाला चैम्बर होता है उसका जो एंगल है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंटीरियर एंगल इज डिक्रीज, सो सडनली इंक्रीज द IOP। इससे क्या होगा, डिक्रीज, एंटीरियर एंगल डिक्रीज होगा, इससे क्या होगा, सडनली क्या होगा, IOP है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एंटीरियर एंगल कम हो जाएगा, एंटीरियर एंगल कम होने की वजह से सडनली IOP बढ़ जाएगा। एंगल कम होगा तो ऑब्वियसली वहां पर IOP बढ़ जाएगा। IOP बढ़ने की वजह से सडनली IOP बढ़ेगा तो उससे कुछ फीचर्स भी डेवलप होंगे। ऑब्वियसली अगर IOP बढ़ेगा तो उसके कुछ फीचर्स भी डेवलप होंगे। इससे क्या होगा, सीवियर पेनफुल कंडीशन होगी। इसके अलावा नेक्स्ट है इसका, इसके अंदर जब सीवियर पेनफुल कंडीशन हो रही है तो ऑब्वियसली इसके अंदर इमरजेंसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, आया समझ। इसके अंदर क्या होता है, एंटीरियर एंगल होता है वो कम हो जाता है। एंटीरियर एंगल कम होने की वजह से क्या होगा, IOP बढ़ेगा, सडनली IOP बढ़ेगा और सडनली IOP बढ़ने की वजह से पेनफुल कंडीशन होगी और मेडिकल इमरजेंसी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो ये कंप्लीट हुआ प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, प्राइमरी एडल्ट एंगल ग्लूकोमा कंप्लीट हुआ, इसके दोनों टाइप्स कंप्लीट हुए। अब आता है इसका नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्लूकोमा, जो कि किसी सेकेंडरी कंडीशन यानी दूसरी कंडीशन की वजह से ग्लूकोमा हो रहा है उसे बोलते हैं सेकेंडरी ग्लूकोमा। जैसे दूसरी कंडीशन कौन सी हो गई, फर्स्ट है डायबिटीज मलाइटस की वजह से हो सकता है सेकेंडरी ग्लूकोमा। फिर आता है नेक्स्ट इंजरी, कोई भी इंजरी है उसकी वजह से भी हो सकता है, कोई भी इंजरी हो सकती है उसकी वजह से ग्लूकोमा, सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन की वजह से भी सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कैटरेक्ट की कंडीशन के अंदर भी ग्लूकोमा हो सकता है। फिर नेक्स्ट है इसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज कर रहा है कोई तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर कोई ट्यूमर हुआ है उस कंडीशन के अंदर भी IOP बढ़ सकता है तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनकी वजह से सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। डायबिटीज मलाइटस की कंडीशन में भी IOP बढ़ सकता है, ठीक है, इंजरी की कंडीशन में, इन्फेक्शन की कंडीशन में, कैटरेक्ट की कंडीशन में, कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर रहा है कोई काफ़ी समय से तो उस कंडीशन के अंदर सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा ट्यूमर हो रखा है तो भी सेकेंडरी ग्लूकोमा हो सकता है। फिर आता है नेक्स्ट कंजेनाइटल ग्लूकोमा क्या होता है। सेकेंडरी ग्लूकोमा कंप्लीट हुआ, इसके अंदर कुछ कंडीशंस तो दे रखी है जिनकी वजह से अगर ग्लूकोमा हो रखा है तो उसे सेकेंडरी ग्लूकोमा बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट है कंजेनाइटल ग्लूकोमा। अगर मदर को डायबिटीज मलाइटस है तो बच्चे को भी क्या हो सकता है, कंजेनाइटल ग्लूकोमा हो सकता है। अगर मदर को डायबिटीज मलाइटस है तो उस कंडीशन में बच्चे को क्या हो सकता है, कंजेनाइटल ग्लूकोमा हो सकता है। बाय बर्थ ग्लूकोमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर टॉर्च का इन्फेक्शन हुआ है TORCH तो उस कंडीशन में के अंदर भी बच्चे के अंदर कंजेनाइटल ग्लूकोमा देखने को मिल सकता है। टॉर्च का इन्फेक्शन किसको होगा, मदर को होगा। अगर टॉर्च का इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में बच्चे को कंजेनाइटल ग्लूकोमा हो सकता है।
फिर आता है नेक्स्ट पिगमेंट्री ग्लूकोमा। अगर पिगमेंटेशन की वजह से ग्लूकोमा हो रहा है, पिगमेंटेशन, ठीक है, पिगमेंटेशन की वजह से अगर ग्लूकोमा हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पिगमेंट्री ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ये अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ। प्राइमरी एडल्ट एंगल ग्लूकोमा के टू टाइप्स देखे अपन ने, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा और सेकंड था प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। फिर आता है नेक्स्ट सेकेंडरी ग्लूकोमा, कंजेनाइटल ग्लूकोमा और पिगमेंट्री ग्लूकोमा। तो ये टाइप्स और क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट हुआ। काफ़ी इजी है, नाम से ही पता लग जाता है कि उसके अंदर क्या कंडीशन हो रही है, किस वजह से हो रहा है। कंजेनाइटल कंजेनाइटल की वजह से होता है। इसके अलावा नेक्स्ट सेकेंडरी था वो था किसी सेकेंडरी कंडीशन की वजह से, पिगमेंट्री था पिगमेंटेशन की वजह से, और प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा जो कि अब एंटीरियर चैम्बर की वजह से हो रहा था, उनके उसके दोनों टाइप्स थे वो कंप्लीट हुए। फिर उसके बाद आता है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, पैथोफिजियोलॉजी जो भी अपन ने अभी इटियोलॉजिकल फैक्टर देखे, रिस्क फैक्टर्स देखे, अलग अलग क्लासिफिकेशन के टाइप्स देखे, उसके अंदर रीजन देखा अपन ने किस वजह से हो रहा है ग्लूकोमा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, जो भी अभी इटियोलॉजिकल फैक्टर देखे उनकी वजह से अपने को ग्लूकोमा देखने को मिलता है। काफ़ी ईजी पैथोफिजियोलॉजी है, एक बार में समझ में आ जाएगी। इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, क्या होगा, इसको टू टाइप्स में अपन क्लासिफाई करेंगे, टू टाइप्स में अपन देखेंगे, दो तरीके से इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो सकती है। फर्स्ट है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर, और या क्या होगा डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, क्या होगा, इंक्रीज प्रोडक्शन, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ेगा और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो सकता है। डिक्रीज एब्जॉर्प्शन होगा तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन जो अमाउंट है एक्वस ह्यूमर का वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर या डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर आता है इसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली अगर इंक्रीज प्रोडक्शन हो रहा है तो भी आईओपी बढ़ रहा है, और एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो भी आईओपी बढ़ रहा है, तो इंक्रीज आईओपी बढ़ रहा है, ठीक है। आईओपी बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ऑप्टिक नैरो डैमेज हो रही है, देखा था अपन ने डेफिनेशन में ही, ऑप्टिक नैरो के डैमेज होने की वजह से ग्लूकोमा होता है, ठीक है, और उस कंडीशन के अंदर ही क्या होगा, ग्लूकोमा हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर या डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज आईओपी बढ़ेगा, इंट्राओक्युलर प्रेशर, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी और ग्लूकोमा हो जाएगा। ये थी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इन ट्रेबिकुलर मेशवर्क और बेंडिंग ओवर ग्रोथ ऑफ आयरिस। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इन ट्रेबेक्यूले मेशवर्क, ठीक है, ट्रेबेक्यूले मेशवर्क के अंदर स्ट्रक्चरल, जो ट्रेबेक्यूले मेशवर्क स्ट्रक्चर होती है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मलिटी हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, जो आयरिडो कॉर्नियल जंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, नेरो हो जाएगा, ठीक है, आयरिडो कॉर्नियल जंक्शन क्या हो जाएगा, नेरो हो जाएगा, उस वजह से भी क्या होगा, इंक्रीज आईओपी बढ़ जाएगा, और आईओपी बढ़ेगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ग्लूकोमा की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। ऑप्टिक नर्व इंक्रीज आईओपी, ये यहाँ पर दोनों तरफ आईओपी बढ़ रहा है, ठीक है, और आईओपी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से क्या होगा, ग्लूकोमा हो जाएगा। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है।
दोनों तरफ आईओपी बढ़ रहा है, आईओपी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, ऑप्टिक नर्व डैमेज, ठीक है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से क्या हो जाएगा, ग्लूकोमा हो जाएगा। आई पैथोफिजियोलॉजी समझ में, एक बार वापस से देखते हैं, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा की कंडीशन होती है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं उनकी वजह से इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा या एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, इसकी वजह से आईओपी बढ़ जाएगा, आईओपी बढ़ने की वजह से ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, और ऑप्टिक नर्व डैमेज होने की वजह से क्या होता है, ग्लूकोमा होता है। फिर आता है दूसरी तरफ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी इन ट्रैबेकुलम मेशवर्क, जो ट्रैबेकुलम मेशवर्क की स्ट्रक्चर होती है आई के अंदर, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर एबनॉर्मलिटी आने की वजह से क्या होगा, आयरिडोकॉर्नियल जंक्शन है वो नैरो हो जाएगा, और आयरिडोकॉर्नियल जंक्शन नैरो होने की वजह से क्या होगा, आईओपी बढ़ जाएगा, और आईओपी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज, और फाइनली क्या हो जाएगा, ग्लूकोमा हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हुई पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी काफी इजी है। अब उसके बाद आता है इसके साइन एंड सिम्टम्स, ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम्स है जो कि अपने को ग्लूकोमा की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। वैसे तो इनके जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर मैंने बता दिया था कि कौन कौन से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, फिर भी एक बार देखते हैं साइन एंड सिम्टम। पेरिफेरल विजन लॉस, पेरिफेरल विजन लॉस, ठीक है, पेरिफेरल विजन लॉस होगा। इसके अलावा टनल विजन होगा, टनल विजन, ठीक है, दो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस मैंने पहले भी बता दिए किसके अंदर, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के स्पेसिफिक फीचर्स है ये, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा के, ये मैंने प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा का क्लासिफिकेशन बताया था, तभी बताया था पेरिफेरल विजन लॉस और टनल विजन, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, इसके बाद और हो सकते हैं, ये तो दो इंपॉर्टेंट किसके हैं, पी ओ ए जी के, इसके अलावा आई पेन, ठीक है, आई में पेन होगा, नोजिया वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग, रेडनेस इन आई, रेडनेस इन आईज, सडन ऑनसेट विजुअल डिस्टर्बेंस, विजुअल डिस्टर्बेंस, विजुअल डिस्टर्बेंस, ब्लड विजन हो सकता है, हेलोज अराउंड द लाइट, हेलोज अराउंड ए आर ओ यू अराउंड लाइट। तो ये कुछ क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है जो कि ग्लूकोमा में देखने को मिलते हैं, पेरिफेरल विजन लॉस, टनल विजन, आई पेन, नोजिया वोमिटिंग, रेडनेस इन द आईज, विजुअल डिस्टर्बेंस, ब्लड विजन, हेलोज अराउंड द लाइट। तो ये साइन सिम्टम्स है। इसके बाद आता है इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ऐसे कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है जिनसे अपने को पता लगता है कि पेशेंट को ग्लूकोमा की कंडीशन हुई है, ग्लूकोमा डिजीज हुई है, ग्लूकोमा डिसऑर्डर हुआ है। इसमें अपन ने इटियोलॉजी के अंदर भी देखा था कि ये क्या है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकती है, तो इसमें क्या लेंगे अपन, हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, ठीक है, हिस्ट्री में अपने को पता लग जाएगा अगर पेशेंट को प्रीवियस हिस्ट्री है किसी फैमिली के अंदर मेंबर को, अगर ग्लूकोमा की आई डिसऑर्डर की स्टडी है तो, या फिर डायबिटीज मलाइटिस वगैरह है, वो अपन हिस्ट्री कलेक्शन में पता लग जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में ऑप्थेल्मोस्कोपी, ऑप्थेल्मोस्कोपी से भी अपने को ग्लूकोमा का पता लग जाएगा, ऑप्थेल्मोस्कोपी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट है पेरीमेट्री, पेरीमेट्री ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है आई डिसऑर्डर के, जो कि अपन मोस्टली सब डिसऑर्डर में लिख सकते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोपी, पेरीमेट्री। फिर आता है नेक्स्ट टोनोमेट्री, टोनोमेट्री। नेक्स्ट आता है गोनियोस्कोपी, गोनियोस्कोपी, ठीक है, इसके अंदर एंगल देखा जाता है विजन का। तो ये कुछ क्या है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है जिनसे अपने को ग्लूकोमा का पता लगता है, हिस्ट्री कलेक्शन, ऑप्थेल्मोस्कोपी, पेरीमेट्री, टोनोमेट्री, गोनियोस्कोपी, ये कुछ डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस। नाउ नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के बाद आता है इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, यानी इसका ट्रीटमेंट, ठीक है, ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट क्या होता है।
इसका ट्रीटमेंट करने से पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि अपना गोल क्या है, यानी मैनेजमेंट करने का गोल क्या है। गोल के अंदर अपने को क्या करना है, जो साइन सिम्टम्स है उनको रिड्यूस करना है, रिड्यूस साइन सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, रिड्यूस साइन एंड सिम्टम्स एंड मेंटेन द हेल्दी कंडीशन, मेंटेन हेल्दी कंडीशन, ये दो गोल अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। रिड्यूस साइन एंड सिम्टम्स को रिड्यूस करना है और हेल्दी कंडीशन को मेंटेन करके रखना है, ठीक है, ये दो अपने को क्या है, गोल है। फिर इन्हीं गोल को ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना है, मेडिकल मैनेजमेंट करना है। मेडिकल मैनेजमेंट में अपने को ड्रग आती है, फर्स्ट है पाइलो, PILO कार्पिन सल्फेट, पाइलो कार्पिन सल्फेट, ये ड्रग कौन सी होती है, पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग होती है या मायोटिक ड्रग्स होती है, पाइलो कार्पिन ड्रग इसके अंदर यूज में ली जाती है, जो कि क्या है, मायोटिक ड्रग है। फिर आता है नेक्स्ट बीटा हेक्सेनॉल, बीटा हेक्सेनॉल, बीटा हेक्सेनॉल ड्रग, ये कौन सी होती है, सिम्पेथोमिमेटिक ड्रग होती है, कौन सी होती है, सिम्पेथोमिमेटिक ड्रग होती है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है सिम्पेथोमिमेटिक का, एक तो बीटा हेक्सेनॉल और दूसरा एग्जांपल है इसका टीमोलॉल, टीमोलॉल, ठीक है, दो एग्जांपल हो गए, बीटा हेक्सेनॉल ड्रग या टीमोलॉल, ये तो कौन सी हो गई, मायोटिक्स या सिम्पेथोमिमेटिक्स, ठीक है, ये कौन, सॉरी पैरासिम्पेथोमिमेटिक्स, ठीक है, और ये कौन सी हो गई, सिम्पेथोमिमेटिक्स, ठीक है, ये पैरासिम्पेथोमिमेटिक या मायोटिक्स या सिम्पेथोमिमेटिक्स, ये दोनों ड्रग हो गई, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का एग्जांपल हो गया है लैटन एल, नेक्स्ट है थर्ड प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का एग्जांपल हो गया प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का एग्जांपल हो गया LAT, लाटाना LATANAPROST, लाटाना, लाटाना प्रोस्ट, ये ड्रग का एग्जांपल हो गया, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट फोर्थ ड्रग आती है एसिटाजोलेमाइड, ये कौन सी ड्रग होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कौन सी होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, कौन सी, एसिटाजोलेमाइड ड्रग। फिर आता है नेक्स्ट है फिफ्थ ऑस्मोटिक एजेंट, ऑस्मोटिक एजेंट, ऑस्मोटिक एजेंट कौन से होते हैं, मैनिटॉल, मैनिटॉल 20% मैनिटॉल देते हैं, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स होती है जो कि मैनेजमेंट ट्रीटमेंट के काम में आती है ग्लूकोमा में, पाइलोकार्पिन सल्फेट, बीटा हेक्सेनॉल ड्रग, टेमेलॉल, ये तो कौन सी हो गई, पैरासिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स हो गई या मायोटिक ड्रग्स हो गई, पाइलोकार्पिन सल्फेट। तो फिर आते हैं सिम्पेथोमिमेटिक ड्रग्स, बीटा हेक्सेनॉल या टेमेलॉल। फिर आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, लाटाना, लाटाना प्रोस्ट, ये ड्रग का नाम है। फिर आता है नेक्स्ट एसिटाजोलेमाइड, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। नेक्स्ट ऑस्मोटिक एजेंट, ऑस्मोटिक एजेंट का एग्जांपल है मैनिटॉल। तो ये कंप्लीट हुआ अपना मैनेजमेंट इसका ग्लूकोमा का। फिर आता है नेक्स्ट इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट इससे, मेडिकल मैनेजमेंट से अपने ग्लूकोमा ट्रीट नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में फिर अपने को सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी के अपने को नाम ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि नर्सिंग के अंदर ओनली नाम अपने को पूछा जाता है कि सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहला इसका सर्जिकल मैनेजमेंट होता है ट्रैबेक्यूलोप्लास्टी, ट्रैबेक्यूलोप्लास्टी, नाम से पता लग रहा है अपने को, जो ट्रैबेक्यूलम मेशवर्क है उसके अंदर स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी हुई थी, उसको वापस से रिपेयर किया जाता है, उसी सर्जरी का नाम है ट्रैबेक्यूलोप्लास्टी, रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है ट्रैबेक्यूलम मेशवर्क का, ठीक है। ट्रैबेक्यूलोटोमी, नेक्स्ट ट्रैबेक्यूलोटोमी, 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 ठीक है।
इसके अंदर भी ट्रेबेक्यूलर मेशवर्क है उसकी, उसको कट करके उसको बाहर निकाला जाता है, उसे बोलते हैं ट्रेबेक्यूलोटोमी। फिर है नेक्स्ट आयरिडेक्टोमी, IRED ECTOMY, आयरिडेक्टोमी, ठीक है। थक्त आयरिस है उसकी सर्जरी की जाती है, उसको बोलते हैं आयरिडेक्टोमी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, मोस्टली यही है, ठीक है, मोस्टली तीन सर्जरी अपने जो कि यूज में ली जाती है, ट्रेबेक्यूलोप्लास्टी, ट्रेबेक्यूलोटोमी और आयरिडेक्टोमी, तीनों वर्ड का मतलब पता लग गया अपने को, ठीक है। फिर आता है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट कंप्लीट हुआ, इसके बाद अपने को नर्सिंग डायग्नोसिस अपने को पता लग रहा है, ब्लड विजन हो रखा है और लॉस ऑफ ब्लड विजन नॉलेज डेफिशिएट, ये अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड विजन रिलेटेड टू इंक्रीज IOP, डिक्रीज एबिलिटी टू परसेप्शन, परसेप्शन भी कम हो रहा है क्योंकि पेशेंट को दिख नहीं रहा है, इस वजह से परसेप्शन कम हो सकता है, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकती है। और इससे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, रिस्क ऑफ इंजरी, इंजरी की रिस्क भी बढ़ सकती है पेशेंट को क्योंकि ब्लड विजन हो रखा है इसलिए। तो ये था इसका नर्सिंग डायग्नोसिस जो कि यहाँ पर मैंने बता दिया, ब्लड विजन वगैरह, इंक्रीज रिस्क ऑफ इंजरी वगैरह, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ ग्लूकोमा। आई डिसऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है ग्लूकोमा, लॉन्ग क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आप चैनल के लिए नए हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के अंदर भी शेयर कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और क्लासेस लेने के लिए कह सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर भी आप मुझे व्हाट्सअप पे भी पूछ सकते हैं, 9672294699, ये व्हाट्सअप नंबर है। और अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड होना है तो इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर सेंड कीजिए जिससे कि आप व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और एक स्पेशल थिंग है, मेल ग्रुप, मेल्स के लिए अलग सेपरेट व्हाट्सअप ग्रुप है और फीमेल के लिए अलग सेपरेट ग्रुप है, मेल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, फीमेल के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसके अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको PDF नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके अलावा आपको नर्सिंग से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, नर्सिंग की वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इससे इसके अलावा अगर आप इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम अपने प्रोफाइल ओपन करके सर्चिंग में जाके ऑफिसर फ्यूचर नर्सिंग के नाम से हमारे चैनल, हमारे जो पेज है उसे सर्च कर सकते हैं, ऑफिसर फ्यूचर नर्सिंग, ठीक है, ऑफिसर फ्यूचर नर्सिंग के नाम से आपको इंस्टाग्राम पे पेज मिल जाएगा, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से जो भी इमेज बेस्ड और वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस है जो कि वहाँ पर डेली अपलोड किए जाते हैं आप उन्हें तैयार कर सकते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट डिजीज पोर्शन होगा वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे, आई डिसऑर्डर। आज का ये ग्लूकोमा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए, और अब वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।